आए सब्सक्राइब कीजिए रितेश किशन चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, फोटो एडिटिंग तो तुम्हें मैं सिखाऊंगा आए। सो गाइस, इस तरीके के फोटो को बनाने के लिए सबसे पहले आप इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद अपनी गैलरी से इसी फोटो को करेंगे सेंड, और सेंड करने के बाद इसे आपको पता ही कौन सी एप्लीकेशन में खोलना है, पिक्सआर्ट। सो गाइस, यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब ओपन होने के बाद करना क्या है, आप में से शायद बहुत से लोगों को पता होगा, जी हाँ, अपना फोटो ऐड करना है इसमें। अब फोटो कैसे ऐड करना है, अगर आप एक बिगनर हैं, आपको नहीं पता कि बैकग्राउंड कैसे इरेज करने, तो आपको एक बहुत ही अच्छी लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में कि हाउ टू इरेज बैकग्राउंड। बाकी जिन लोगों को पता है तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जिन लोगों को बैकग्राउंड इरेज करना आता है वो सिंपली अपना जो बैकग्राउंड इरेज किया हुआ है उसे यहाँ से कर लेंगे ऐड। अब देखिए, मैं सिंपली से कुछ इस तरीके से इसे गाड़ी पे बिठा देता हूँ। खैर, ये ऑटोमेटिकली बैठ ही गया है गाड़ी पे, क्योंकि मैंने इसका बैकग्राउंड पहले से इरेज किया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर बैठ गया है, लेकिन अगर हम इसे यहाँ पर बिठाएंगे तो होगा क्या कि हम यहाँ पर इसकी शैडो ठीक से नहीं बना पाएंगे, जिससे कि हमारा एकदम ओरिजिनल फोटो एडिटिंग का लुक नहीं आ पाएगा। तो हम इसे यहाँ से कर देंगे गाइस क्रॉस, और क्रॉस करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर ड्रॉ टूल में। अब बहुत से लोग तो डर गए होंगे कि भाई ड्रॉ टूल बचो, तो करना कुछ नहीं है गाइस। देखिए, लेयर में आना है इसी में, और सबसे पहले मैं इसमें अपना जो है इरेज किया हुआ फोटो ऐड कर लेता हूँ पहले से ही। तो ये देखिए, फोटो हमारा हो चुका है यहाँ पर ऐड। तो मेरा फोटो यहाँ पर ऐड हो गया। अब आपको बीच वाली लेयर में ही रहना है, और करना क्या है, अब आपको यहाँ पर गाइस इरेज ब्रश पे क्लिक करना है, और इसकी जो आपको हार्डनेस है, यहाँ पर गाइस ऊपर टूल पे क्लिक करेंगे, हार्डनेस आपको रख लेनी है लगभग 0 के आसपास, 1 के आसपास, और साइज अपने हिसाब से रख लेंगे। ऑपेसिटी बिल्कुल 0 रखेंगे, यहाँ से सेट कर देंगे, ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको जहाँ पर शैडो बनानी है सिंपली देखो वहाँ पर आपको इसे फेड देना है। अब गाइज, अगर ये देखिए, आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे भाई शैडो थोड़ी सी ज़्यादा है यार, कुछ करो यार, इसका इलाज करो। तो करना क्या है, अब आपको देखिए यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है, और आपको ओपेसिटी जो है इसकी कम कर देनी है। ओपेसिटी कम करने से क्या होगा, एकदम रियल शैडो लगेगी। आपको देख सकते हैं, आप कह नहीं सकते कि ये शैडो हमने पिक्सआर्ट से बनाई है। ये यहाँ से हमारा काम बिल्कुल क्लियर हो गया, यहाँ से हम इसे कर देंगे गाइज डन। अब डन करने के बाद देखिए, सबसे पहले आप आ जाएंगे गाइज यहाँ पर ब्यूटीफाई टूल में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका जो चेहरा है वो दिखाने लायक है नहीं अभी, पर हम इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यह स्मूथ पे क्लिक करेंगे, इसके चेहरे को कर देंगे एकदम चिकना। तो ये देखिए, सिंपली कुछ नहीं करना, बस आपको ब्रश पे सिलेक्ट करना है, और जहाँ जहाँ पर आपको अपनी चिकनाहट लेके आनी है सिंपली वहाँ पर फेड देंगे, इसे यहाँ से कर देंगे डन। अब यहाँ पर देखिए, स्किन टोन पे क्लिक करेंगे यहाँ से, और जो भी कलर आप चाहते हैं अपनी स्किन के लिए सिंपली उसे ले लेंगे। तो देखिए, मैं नॉर्मल इसी कलर को करना चाहूँगा यहाँ पर। तो ये देखिए, अपने ब्रश की जो साइज है पहले से ठीक है, तो सिंपली आप इसे फेरेंगे हल्का हल्का। गाइज इस टूल की कमाल की बात ये है कि ये आपको नकली इफेक्ट नहीं देगा। नकली मतलब जानते हैं कि हमने मतलब वाइट हो गया हमारा, और वाइट इफेक्ट चढ़ गया, ये आपको वैसा इफेक्ट ला के नहीं देगा। ये देखिए पहले का और अब का। ओके, ये यहाँ पर कुछ लाइन भी खिंच गई, इसे हम इरेज कर देते हैं पहले। ओके, ये हो गया चुका है इरेज, बाकी अभी जहाँ पर नहीं रहा आप सिंपली से यहाँ से कर देंगे, हम इसे यहाँ से कर देंगे डन। हमारा फोटो बहुत ही गजब का निकल के आ गया है। अब इसे हम यहाँ से कर देते हैं गाइस डन। डन करने के बाद देखिए, दोबारा से आप यहाँ पर ऐड फोटो पे करेंगे क्लिक, और गाइस यहाँ से सबसे पहले मैंने कि जो कि हेयर पी एन जी खुद से बनाया है। अब गाइस आपके बाल कैसे हैं, आप उसके लिए तो मैं हेयर पी एन जी नहीं बना सकता, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत ही अच्छी लिंक मिल जाएगी जिसमें आपको सारे हेयर पी एन जी डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। बाकी जो भी आपकी शकल से मैच करें आप उसे लगा सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम दोबारा से ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये टेस्ट पेन जी जो कि बहुत ही प्यारा सा है हमारे फोटो एडिटिंग में, ये 4 चांद लगाने वाला है, जैसे कि हम यहाँ पर कर लेंगे गाइस ऐड कुछ इस तरीके से। तो मैं इसे यहाँ पर बीच में बिल्कुल ऐड करूँगा, और मैं इसे यहाँ से कर दूँगा गाइस डन। डन करने के बाद देखिए, दोबारा से ऐड फोटो पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर एक ब्लर पी एन जी मिलेगा आपको स्टोन का। अब ये है क्या, जो लोग विजय महार की फोटो एडिटिंग देख चुके हैं इंस्टाग्राम पर वो समझ जाएंगे गाइज, इससे ना एक अलग ही लुक निकल के आता है आपकी फोटो एडिटिंग में। अब मैं इसे ऐसे कर दूंगा डन, लेकिन रुको, मुझे पता है कि बहुत से लोग वीडियो को स्टॉप कर रहे होंगे गाइज, अभी फोटो तो बन गया लेकिन इसमें इफेक्ट्स कौन डालेगा। तो चलिए हम यहाँ से ड्रॉ टूल में चलते हैं, और फोटो को कर देते हैं सेव, और फोटो को सेव करने के बाद अपनी गैलरी में मिलते हैं। देखिए, मेरे पास है रेडमी नोट प्रो गेस्टर्स का यूज़ करके मैं आ चुका हूँ अपनी गैलरी में, और सबसे पहले हम जाएंगे पिक्सआर्ट के फोल्डर में। तो ये देखिए, हमारा फोटो यहाँ पर आ चुका है, और सिंपली इसे कर देंगे दोबारा से सेंड। और इस बार वैसे आप लाइट रूम का ही यूज़ करें गाइज, इसके लिए आप स्नैपशीट का भी यूज़ कर सकते हैं, पर आप लाइट रूम का ही यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें हम कलर्स के साथ खेल सकते हैं। अच्छा, ये करने के बाद ऊपर आपको दिखेगा लाइट रूम सी सी
का कुछ भी विंडो हो तो इस पर कर देंगे आप क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको देखिए लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, आपका सबसे लेटेस्ट फोटो भी यहाँ पर मिल जाएगा। अब सबसे पहले आपको देखिए सबसे पहले कहाँ आना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर कलर टूल में आना है, यहाँ से मिक्स टूल में जाएंगे और अपने जो मॉडल का कलर है जो कि ऑरेंज होता है उसकी लूमिनेंस आप यहाँ से बढ़ा देंगे और सैचुरेशन कर देंगे गाइस कम। कम करने के बाद आप सभी जो कलर्स हैं हर कलर्स को गाइस लूमिनेंस या सैचुरेशन बढ़ा के देखिए। जो अब देखिए जैसे कि इसने ब्लू कलर की पैंट पहनी है तो मैं सिंपली इसे सैचुरेशन को बढ़ा दूंगा तो देखेंगे हमारा जो ब्लू कलर है वो ज़्यादा बढ़ के आ चुका है। लूमिनेंस को भी हल्का सा यहाँ से हम बढ़ा देंगे। इसके बाद यहाँ से गाइस इस कलर की हल्की सी लूमिनेंस बढ़ाएंगे और इस कलर की हल्की सी लूमिनेंस बढ़ा के इसे हम यहाँ से कर देंगे डन। इसके बाद इसके विग्नेट में जाएंगे, इसकी सबसे पहले क्लैरिटी को हल्का सा बढ़ाएंगे और डिहेज को बढ़ा देंगे और विग्नेट को कर देंगे गाइस कम। बहुत ही बढ़िया, विग्नेट को कम करके आप इसके मिड पॉइंट को कम कर देंगे, इसके फेदर को कर देंगे कम, राउंडनेस को कर देंगे कम या ज़्यादा जो भी है अपने हिसाब से, और इसमें ग्रेनी अमाउंट अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बाकी हमारा फोटो यहाँ तक अच्छा लग रहा है। इसके बाद आप यहाँ लाइट टूल पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले अपने एक्सपोजर अपने फोटो के हिसाब से घसाइए। गाइस एक्सपोजर कब करना है, अगर आपका फोटो काला है तो बढ़ाएंगे, अगर ज़्यादा सफ़ेद हो चुका है तो एक्सपोजर कम करेंगे। हल्का सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे इस फोटो में जान डालने के लिए। इसके बाद आप इसके हाईलाइट्स हटा देंगे हल्के से ताकि ज़्यादा फोटो व्हाइट ना दिखे। इसकी शेडोज़ को बढ़ा देंगे, इसके हल्के से व्हाइट्स बढ़ा देंगे और हल्के से इसके ब्लैक्स को कर देंगे कम। ओके कम करने के बाद दोबारा से नीचे वाले टूल पर क्लिक करेंगे। अब आपको इसको टेम्परेचर को बढ़ा देना है और इसका जो टिंट है टिंट को आपको कर देना है गाइस कम। और कम करने के बाद इसकी वाइब्रेंस को बढ़ा देंगे और सैचुरेशन को कर देंगे कम। तो मैं सैचुरेशन को कम कर दूंगा जहाँ पे ये सेट लगेगा। ओके ये यहाँ पर सही लग रहा है और मैं इस फोटो को देखिए यहाँ से कर देता हूँ डन। अब मैं दिखाता हूँ कि पिक्सार्ट जो हमारा फोटो बना था गाइस वो बना था देखिए कुछ इस प्रकार का वाइट कलर का, जिसमें मतलब हम इफेक्ट्स में हम गाइज इसमें इफेक्ट के साथ नहीं खेल पाए थे। लेकिन गाइज लाइटरूम एप्लीकेशन से हमारा कमाल हो चुका है। ये देखिए फोटो बन चुका है कुछ ओरिजिनल टाइप का, आप कह नहीं सकते कि आपने ये फोटो फोन से बनाया है। सो गाइज इस फोटो को सेव करने के लिए ऐसे थ्री डॉट पे करेंगे क्लिक और फोटो सेव टू डिवाइस। सो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। यार पसंद आई है तो ठोक दो एक लाइक और साथ ही चैनल के लिए तो सब्सक्राइब कर दो और साथ ही मंदिर जैसे दिखने वाले उस घंटी को गाइज तोड़ दो मरोड़ दो कुछ भी कर दो। तो मैं भी के लिए तो चलता हूँ और मिलता हूँ किसी अगली कमाल की वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।